तो सुबह 1 किलो दही खा जाते हैं पंजाबी हम। 1 किलो दही? ये सारा गोल्डन टेम्पल को जाता रास्ता। अच्छा, ये गोल्डन टेम्पल का रास्ता है। हाँ, हाउ इज इट? वेरी गुड। या हमारे दादाजी ने शुरू किया। अच्छा, 1927 में, आजादी के पहले। तो पहले बड़े बड़े ग्लास में बनते थे। हाँ, वो पीतल का गिलास होता है, उसको बोलते हैं हाफ कर दो, ओपन किया पिघल जाता है। इट्स लाइक टेस्टिंग अ क्लाउड ऑफ बटर। हाँ, बटर का आप बादल हो। यस। हाँ, जो ये वाला देता ना ज्ञानी। हाँ, ये लस्सी जो है ये उसमें गाढ़ा रहता है। गाढ़ा रहता है। हाँ, उससे अच्छा होता है दही। अच्छा, इसका दही अच्छा है। हाँ। और ऊपर वो मलाई का पेड़ा डालता है। वो पेड़ा डालता है, मक्खन और मलाई डालता है, इतनी बड़ी। अच्छा। हाँ। तो ज्ञानी ट्राई करें। ज्ञानी ट्राई करें। वी हैव टू टेस्ट सम लस्सी नाउ। वी हैड अ प्लेस इन माइंड बट गुरप्रीत जी हियर हु इज ड्राइविंग अस इज ज्ञानी ट्राई करो। तो आई थिंक यू शुड, व्हेन द लोकल्स रेकमेंड यू शुड ट्राई दैट फर्स्ट। आप अमृतसर के हो? मेरा घर सर पास ही। अच्छा, घर आपके ज्ञानी के पास ही है? गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है, उसके नाल ही ज्ञानी है। अच्छा, तो फिर आप भी ट्राई कीजिए हमारे साथ लस्सी। मैं तो बहुत बार पी। आपका घर वहीं पे है? हम तो सुबह 1 किलो दही खा जाते हैं पंजाबी हम। 1 किलो दही? मेरे फादर बॉम्बे गए थे। हाँ जी, आपका पूरा नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह चौहान। गुरप्रीत सिंह चौहान। हाँ, तो जब उधर गए तो वो बोले 1 किलो दही की लस्सी बनाओ हलवाई को। 1 किलो दही? हाँ, की लस्सी। हाँ, वो देखने लगा, कहता कहाँ से आए? पंजाब से। हाँ। हाँ। इधर पाया दही की लस्सी नहीं पीता कोई, तो आप 1 किलो दही की लस्सी बना रहे। ये सारा गोल्डन टेम्पल को जाता रास्ता। अच्छा, ये गोल्डन टेम्पल का रास्ता। हाँ। है Always go where people are going. लस्सी कौन सा ले? कौन सा है? पेड़े वाली है, एक नारी लस्सी है, वो दही की होती है। पेड़े वाली में जो पेड़ा होता है उसमें मक्खन डालता है, पेड़े डाल के इसका मक्खन निकाल के बीच में डालेंगे। अच्छा, फिर दही भी डलेगा, चीनी और जो दही वाला उसमें दही और चीनी, ये पेड़ा एक्स्ट्रा होता है। पहले हमें वो जो नॉर्मल है वो देना, उसके बाद पेड़े वाला देना। एक पेड़े वाली बना के दिखा दिया, उसको बढ़ाते 5 मिनट लगेंगे, तब तक आप पी लीजिए। एक उनको भी देना आप, गुरप्रीत को हमारे साथ है। हां, एक लस्सी गड़ी दिया बेटा। हाँ, हाउ इज इट? वेरी गुड। या हाउ इज इट? Well, if she endorses it, it certainly must be rather special. What's nice is that there's some thick makkhan on top, huh? Some thick makkhan, some cream on top. Some more cream. The sweetness isn't too much. It is just perfect. I think the spoon is essential at the beginning. After that, you're pretty much drinking the lassi. It's not a lassi which is very thick though, right? Gurpreet, who's driving us, said that you must try
Gyani Lassi because he said it's also very close to my house and this is very popular. So there are two stores here. I don't know what the story is. Yeah, two dukaan kyun yahan pe? Alag alag. Alag alag hai. So purana kaun sa hai? Acha. आपका नाम क्या है सर? हमारे दादाजी ने शुरू किया. अच्छा 1927 में आज़ादी के पहले 95 ईयर्स. तो इतना क्यों मशहूर है आपका? हाँ लेकिन हमारे प्योर लेते हैं. हाँ जी. कोई मिलावट नहीं है. दही जमाना दूध का, उसमें दही डाल के चीनी डाल के दूध ही डाल देना और पानी नहीं. दही से बिल्कुल अलग टेस्ट है. ऑल ओवर इंडिया में ही टूरिस्ट चलते हैं यहाँ पे. और सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, फॉरनर्स, फॉरनर पॉलिटिशियंस सब लेते हैं. और एक और बात है कि ये मीठा जस्ट परफेक्ट है. ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है. दही का टेस्ट अगर मीठा कम डालेंगे तो अजी पेड़े वाला दही का टेस्ट आएगा, तो मीठे का टेस्ट आएगा. ये पेड़े वाला लस्सी. पेड़े वाला लस्सी. ये पेड़े का बटर, इसके नीचे मलाई है. सो पेड़े का बटर मतलब उस पेड़े का मलाई पेड़े का. हाँ, उसका बटर निकाल दिया. कैसे निकालते हो? मशीन से, हाथ से बनता है. अच्छा. हाँ इसलिए वो बोटी अलग बटर है, इसका टेस्ट अलग है. श्री ऑलरेडी गॉट अ पेड़ा लस्सी. क्या बोलते हैं पेड़े वाला लस्सी? पेड़ा लस्सी. इसको आप नॉर्मल लस्सी बोलते हो? पंजाबी लस्सी है. पंजाबी लस्सी है. तो पहले बड़े बड़े ग्लास में बनते थे. हाँ, वो पीतल का गिलास. वो इससे ये डेढ़ गिलास आ जाए. डेढ़ गिलास. लेकिन आजकल लोगों को हजम नहीं होता. इसको बोलते हाफ कर दो. दिस इज पीपल डोंट ड्रिंक दिस. हाउ विल दे ड्रिंक दैट? वो इसका डेढ़ गुना. इसका ये है 500 ml, वो 750-800 ml. तो एक खाने के बराबर हो गया वो. खाना रात का छुट्टी हो जाए, खाना नहीं खा पाओगे. देखते हो आप? अच्छा. हाँ देखा आपने? हाँ. शी इज एंजॉयिंग हर पंजाबी लस्सी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेवरिंग दिस पेड़ा लस्सी. पेड़े का बटर है. सो दिस इज हैंड चर्ड. पिघल जाता है. इट्स लाइक टेस्टिंग अ क्लाउड ऑफ बटर. बटर का आप बादल हो. यू कैन टेस्ट द कार्डम इन दैट. सो दिस इज डिलीशियस. अरे ये भी ट्राई करो सर, बहुत बहुत अलग है. मैंने ट्राई नहीं किया ये आज तक. पेड़ा बनता कैसे है देख सकते हो? ये पेड़ा क्या फ्लेवर क्या होता है इसका? मावे का पेड़ा. मावे का पेड़ा है. इसमें बस इलायची और कुछ नहीं. हाँ उसको कूटते हो पहले? मिक्स करेंगे. हाँ जी. ये ओरिजिनल मावा है. कोई सो पेड़े से बटर निकल जाएगा. ओ फैंटास्टिक. तो मिस्टर गुरिंदर सिंह ये और टेकन द मावे का पेड़ा. He's crushing it in that hand. चलो ये क्या brass का है? हाँ जी. And then a little bit of water just so that the butter starts forming. ये भी 1947 के पहले का. 1947 के पहले का है. Fantastic. So he says this is also this predates Indian independence. Of course the store came here in 1927, 20 years before we got our independence. People in and around the Golden Temple here in Amritsar were having the Gyani Lassi. Tabhi kya naam tha? Gyani Lassi. Tabhi bhi Gyani Punjabi Lassi. Gyani Punjabi Lassi. So this lassi has been popular for the last 94 years. Haan, 94 century aa gaya. Ye butter nikla hai. Butter nikla hai. Oh. You come from Bangalore? You come from Bangalore, sir. So that is the पेड़े का मक्खन. ये दही. एंड दैट इज अ दही. बफलो मिल्क. आया थोड़ा सा. थोड़ा चीनी. तो इसमें मीठा ऑलरेडी है. थोड़ा सा है. है
फैंटास्टिक। सो आप बैंगलोर से आए हो? बैंगलोर से आए, खाली ले खाली इसके लिए आए। ओके So basically the yogurt, थोड़ा दूध भी डालते हैं उसमें, सब मिल्क that goes into it। आती नालोगे, आती नालोगे, आती नालोगे। वो पेड़े वाली है जी। And then वो पेड़े वाली। The मेवे का पेड़ा that gets hanchured into that मेवे का मक्खन। ये मलाई है दही का। With some malai and of course that पेड़े का मक्खन that goes on top of it। ये क्या है? ये गुलाब जल है जी। हाँ गुलाब जल, सम रोज वाटर दैट गोज ऑन इट। कैसा है सर? आप रिव्यू देना, आप मैं थक गया रिव्यू दे देकर। आप जो नाम, आपका नाम क्या है सर? किशोर। किशोर बैंगलोर। कैसा है? वेरी यमी। वेरी यमी, बहुत बहुत ही अच्छा है। आपने टेस्ट नहीं किया लेकिन अब तक? अच्छा इससे पता लग गया आपने, नाम सुन के आए। फैंटास्टिक। सो आई थिंक गुड फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। तो ये बैंगलोर से आए, हम भी बैंगलोर से ही आए हैं लेकिन मिलना यहीं पे था। एंड श्री इज ईटिंग माय लस्सी, पेड़े का लस्सी। हाउ इज इट दैट पेड़े का बटर मेल्ट्स अवे? दैट मक्खन मुंह में रखते ही, जुबान पर रखते ही पिघल जाता है। पंजाब, अमृतसर, द लैंड ऑफ द लस्सी, द ज्ञानी लस्सी, द पंजाबी लस्सी एंड द पेड़े की लस्सी। वेरी गुड। आई एम एंजॉयिंग दिस। Although it's a sort that melts away when you place it in your mouth, it certainly after a while you can certainly feel the weight of the lassi. I think towards the end you want to mix, you want to incorporate that पेड़े का मक्खन into that लस्सी। I think you have one of these. उपड़ी मटका, इसके बाद खाना नहीं, हाँ पेट थोड़ा भर जाता है। So he says if you have one of these pede lassis in the morning till 1 PM you won't feel hungry. And tasting it, I can certainly vouch for that. So when you taste that pede ka makhan initially, it's a sort of butter that quite literally melts away like a cloud of butter the moment you place it on your tongue. So you don't realize, but eventually as you're tasting more and more of that pede ka makhan along with the thick yogurt lassi, it's a sort that begins to fill you up. And I think once you've had one of these, I don't think you need to eat anything at least for the next 2 or 3 hours. That's the look of happiness. Happiness here at Gyani Punjabi Lassi, an establishment that's been serving the lassi since 1927. और डाल दे पुत्र, थोड़ी और डाल दे। ये फिर नहीं है। व्हाट इज वन? दूध मावा और चीनी, इसमें चावल जाता है? चावल का आटा और दूध का मावा है। मावा, दूध में मावा और चीनी, चावल का आटा। एक ट्राई करते हैं। वरक ऊपर, नाइस।
राइस हैज बीन ग्राउंड टू द टेक्सचर ऑफ थिक क्रीम. हाँ बहुत बहुत फाइन पीसते हो आप चावल को. हाँ इसमें मावा जाता है, खोवा, चावल का आटा, दूध. तो कितने कितने हिस्से में जाता है ये? अलग बराबर जाता है कि बराबर बराबर जाता है? लेकिन चावल का बहुत फाइन पीसते हो आप, तो चावल का एक भी मुंह में एक भी दाना नहीं आता. हाँ पूरा ब्लेंड होता है. और ये पीला कलर क्या डालते हो? कस्टर्ड डालते हैं. कस्टर्ड पाउडर. और दैट्स इंटरेस्टिंग. सो इट्स बेसिकली द खोवा, इट्स द मिल्क, द राइस पाउडर, सम शुगर एंड ऑल्सो सम कस्टर्ड पाउडर दैट गोज इन टू इट दैट गिव्स इट दैट कलर. यू व्हाट आई लाइक अबाउट दी whether it's a pede ka lassi or this pirni that I've tasted here is the fact that it's not too sweet. The flavors of the sort that are quite subtle, quite delicate. You know, I came here for the lassi, but I'm quite enjoying this pirni too. As you can see, I'm scraping every bit of that pirni out. Somewhere you're tasting a bit of the heft of the rice, but that rice is ground super fine and that has blended rather well into the milk solid, what they call the mawa, the milk and the sugar. And that custard powder is a rather interesting ingredient because I'm told that gives it that light yellow tasting sort of a color. Delicious. Kitne hue? So, do Punjabi, ek पेड़े का लस्सी और एक पिंडी. पेड़े का लस्सी का कितना? 90. और पंजाबी 50. और पिंडी? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेल दैट वाज एन एंजॉयबल इवनिंग हियर एट ज्ञानी दी लस्सी. आई थिंक द लस्सी द पेड़े की lassi was rather special, but so was that pirni that I tasted towards the end. This is the street that leads up to the Golden Temple, so it is crowded, it is busy, and it's quite easy to get lulled into a delicious stupor by the lassi and that pirni that we just tasted. अच्छा था, लेकिन वो फिरनी तो और भी स्पेशल था. फिरनी काफी जबरदस्त था. वेल दैट वाज अ डिलीशियस लस्सी आउटिंग टू ज्ञानी. हां व्हाट डू यू थिंक श्री, व्हाई यू लाफिंग? नथिंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग टुमारो बहुत था ओवर वे लेंग्स के विल शी लेस विद अ डे 1 केजी अप. श्री इज वरीड अबाउट द वेइंग स्केल, बट देयर नो वेइंग स्केल इन द रूम. एकदम आज तो फिर डिनर नहीं है बस. हमने तो एक वो पंजाबी लस्सी ली, फिर वो पेड़े की लस्सी ली, फिर फिरनी ली. अब तो बिल्कुल जगह नहीं है पेट में. वो बोला आप सारा दिन भूख नहीं लगे. सारा दिन भूख नहीं लगे, अब तो डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कल. दैट्स अ सॉर्ट ऑफ लस्सी दैट इज. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड स्वीट, क्वाइट लिटरली स्वीट एपिसोड एट ज्ञानी पंजाबी लस्सी. Since 1927, we'll see you on the next one. Bye-bye. Bye. You can go and check the wing scale now. There's no wing scale in the hotel room. Thank God. That is for the surprise. That is a surprise when you get back to Bengaluru. I don't want that surprise. I want to go to the shop tomorrow. Punjabi Jyoti. सर आपको जो गोल्डन टेम्पल है उधर सब बढ़िया मिलेगा. अच्छा बढ़िया जूती मिलेगा वहाँ. फुलकारी और सलवार सब कुछ वहाँ भी मिलेगा. सब पास ही है, मैं बताऊंगा आपको जहाँ से बढ़िया और वैरायटी अच्छा. प्लीज बताइए हमको कल. सो यू नो व्हाट आवर प्रायोरिटीज आर. माय प्रायोरिटी प्योरली इज some paid puja, and I can see my tummy coming up. In fact, I did a vlog on the way to when we were at the airport in Bengaluru, and I got this new action camera, so you perch it low and then it also exaggerates your midsection. I think that's what's happened. So if you've caught that, don't be scared, I'm not actually that fat.
But I think after leaving Amritsar, after 3 days, after all the meals that we'll have and all the lassis, etc., all the makhan, all the butter, I'm sure I'll be looking rather close to what you would have seen in that first vlog. The vlog of us getting to Amritsar. Now we'll seriously see you on the next one. Bye-bye.